Hello students, how are you all? Welcome back to Frescon Academy of Science and I am Rajat sir, teaching you biology. Yes, the life, the logic of life, right? So guys, हम लोग कर रहे हैं बहुत ही खास चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा. Yes, you remember, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रोटिस्टा के सारे कैरेक्टरिस्टिक देखे, उसकी खासियत, उसका रिप्रोडक्शन देखा, जहां पे जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस के बारे में बातें हमने की है. और अब इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट्स. यस, तो सबको याद होगा जो सबसे पहले वाला मैंने बताया था वो था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स. रिमेंबर दिस, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सबको याद होगा, राइट? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट तीन टाइप के थे. रिमेंबर द थ्री एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू. डिसेंबर, डी ई सी, याद आ गया? डी फॉर डिनोफ्लैजेलेट्स. तो डी इज डिनोफ्लैजेलेट्स, ई इज यूग्लिनोइड्स एंड सी इज क्रिसोफाइटा या फाइट्स. तो इन तीनों के बारे में हम यहां आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो दिस लेक्चर, इन दिस लेक्चर स्टडी इन डिटेल अबाउट डिनोफ्लैजेलेट्स, अबाउट यूग्लिनोइड्स एंड अबाउट क्रिसोफाइट्स. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू हैव सीन देम और मे यू हैव एक्सपीरियंस देम आल्सो बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन आवर नेचर इन वाटर क्वाइट अ लॉट. So let's see, we start with the first one, which is my personal favorite, which is what? Which is dinoflagellates. अब देखो यार, ये ना dinoflagellates बहुत कमाल की चीज होती है. ये ना पानी को बहुत खूबसूरत बनाती है अंधेरे में. मैं बात करता हूं इसके बारे में, सुनो पहले. तो let's write down the characters, एक एक करके देखते. सबसे पहला इसका हैबिटेट, ये कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मरीन कहते हैं, जो कहना है कह लो, है तो वही भैया सॉल्टी वाटर है ना. फ्रेश मतलब जहां पे रिवर्स, लेक्स, एंड मरीन मतलब सी, ओशियंस, जहां पे सॉल्ट बहुत ज्यादा रहेगा. सो रिमेंबर, डिनोफ्लैजेलेट्स आर प्रेजेंट इन मरीन वाटर, सो दिस इज देयर हैबिटेट. ओके, सो दिस इज देयर हैबिटेट. नंबर टू, दे आर पिगमेंटेड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब कि वो कलर दे सकते हैं. रिमेंबर, सो दे आर पिगमेंटेड, दैट मींस कि दे कैन गिव और प्रोड्यूस कलर, और यू कैन से उनकी वजह से कोई चीज शायद कलरफुल दिख सकती है बिकॉज दे आर इटसेल्फ पिगमेंटेड. वो लोग खुद ही पिगमेंटेड होते हैं. तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम पिगमेंटेड के बारे में बात करें तो प्लीज नोट इट डाउन गाइस, दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन फॉर नीट. रिमेंबर दिस, गोनियालुक्स. अब नाम ऐसा है, अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज गोनियालुक्स एंड अदर इज जिम्नोडिनियम. Note it down. Very, very, very important. Gonialuks and Gymnodinium. Remember, Gonialuks and Gymnodinium. All of you, write it down. This is highly important to remember this. Gonialuks and Gymnodinium. कौन ये लोग? ये red pigment देते हैं, यानी इसीलिए ये जो समुंदर है, वो इनकी वजह से लाल दिखने लग जाता है. Because they are pigmented. So please note it down. This is one of the most important question for NEET. Doctor Saab, zarur likhiyega. Gonialuks and Gymnodinium. Note it down. Underline it. Do bar bolke yaad kar lo. Theek hai? Gonialuks and Gymnodinium. Kaun hai ye log? Ye hai jo सी को रेड कलर का बना देते हैं या रेड दिखता है इनकी वजह से. सी, ये जब बहुत फास्ट मल्टीप्लाई रैपिडली, दे मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, पूरे समुंदर में छा गए, अब समुंदर दिख रहा है लाल. सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड पिगमेंटेड. एंड ये नाम दोनों याद रखिए, गोनियालुक्स एंड जिम्नोडिनियम. और इनके ही जैसा एक और है, इसका नाम है नॉक्टिलुका.
प्लीज 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 ये लिख लीजिए, नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका इस ग्रुप का एक स्पेशल यू कैन से ऑर्गेनिज्म और एग्जांपल है, जो क्या दिखाता है, इट शोज बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब अंधेरे में जब वेव्स आपके पास आएंगे, उन लहरों में आपको ऐसे जुगनों की तरह जलती हुई ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, एंड दैट्स बायोल्यूमिनेसेंस। और वो कोई और नहीं, वो कौन है, प्रोटिस्ट, जिसका नाम है नॉक्टिलुका। धमाल चीज है। अंधेरी रात समुंदर के सामने आप बैठे हो और किनारे पे जो लहरें आती हैं, उन लहरों पे आपको अचानक से कुछ चमचमाता हुआ दिखता है, वो कोई और नहीं, वो कौन है, वो है नॉक्टिलुका। तो रिमेंबर दिस, नॉक्टिलुका बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, गोनिया लुक्स जिम्नोजेनियम रेड कलर देके, रेड कलर की वजह से जो सी है वो पूरा रेड रेड दिखता है। तो गाइज, दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन और याद कर लो, ठीक है। रेड वाला कौन, यस गोनिया लुक्स एंड जिम्नोजेनियम, ओके, गोनिया लक्स या गोनालेक्स, गोनालेक्स जो बोलना है बोलो, एंड जिम्नोजेनियम, ओके, एंड बायोल्यूमिनेसेंस वाला कौन, यस इट्स नॉक्टिलुका, ठीक है, इट्स नॉक्टिलुका। नाउ इनकी एक और खास बात की हम बात करेंगे। नाउ ये जितने डिनोफ्लाजेस होते हैं, इनकी खासियत होती है, इनका जो सेल वॉल है ना, द सेल वॉल, ठीक है, उनका जो सेल वॉल होता है, इट इज वेरी हार्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स। सो रिमेंबर, द सेल वॉल ऑफ डिनोफ्लैजेलेट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स व्हिच आर वेरी हार्ड एंड रिजिड। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्मर्ड डिनोफ्लैजेलेट्स। ये सवाल भी आ चुका है नीट में। So why they are called armored? Because armor मतलब solid, मतलब ये जो organisms होती है, इनके cell wall जो होते हैं वो एकदम solid hard होते हैं, ठीक है। और वो जो solid hard है क्यों? Because they have cellulosic plates, ठीक है, जो कि काफी hard होते हैं। So cell wall is cellulosic plate, cell wall of dinoflagellates is made up of what? Cellulosic plate, cellulose is obviously, you know, it's a polysaccharide. So, वो क्या करेगा? वो उसको hard करेगा, rigid करेगा, and therefore it is called as armored. Armor मतलब shield, protection, मोटा, ताजा, hard, सख्त, ठीक है? तो ये इनके पास सख्त cell wall है, ठीक है? तो ये सख्त cell wall वाला cellulosic plate जरूर याद रखिए, and their habitat is marine, and their nutrition is photosynthetic. तो मैं लिख देता हूँ, the nutrition is photosynthetic. So these are some of the major characteristics of dinoflagellates: marine, photosynthetic, pigmented mein yaad rakho gonia looks and gymnogenium, and definitely noctiluca jo ki bioluminescence dikhata hai. Cell wall is very hard, armored, ekdam sakht, theek hai, aur wo kyun hai? Because inke paas cellulosic plates hai. Okay, now a very important point which you need to remember, very 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 important guys, ye jo hote hain dinoflagellate, they produce a poison. Oho, itni badi badi aur achhi baatein karne ke baad aisa villain jaisa kaam, dekho, they produce a poison jiska naam hai saxitoxin. Remember, it's called saxitoxin. Bada pyara naam hai yaar, hai, ऐसे याद हो जाएगा. तो डिनोफ्लैजेलेट्स समुंदर में क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिन, जिसका नाम है पॉइजन, जिसका नाम है सैक्सीटॉक्सिन, ठीक है. नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा सकता है, जाता भी है. तो याद रखो, डिनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं, दे प्रोड्यूस अ पॉइजन, दे प्रोड्यूस अ टॉक्सिन इन द समुंदर, एंड दैट समुंदर में टॉक्सिन का नाम क्या है? सैक्सीटॉक्सिन. क्या बोला? Saxitoxin with the feel. अरे feel करो यार, saxitoxin है. और ये जो saxitoxin है, ये क्या करता है? ये मारता है किसको? It can kill fish, ठीक है, जो मछलियां, छोटी छोटी मछलियां, उनको ये मार देता है. So it can kill fishes, but it will not affect shelled fishes.
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है, ठीक है। सैक्सीटॉक्सिन जो नॉर्मल मछलियां उनको मार देती है जो मराइन वाटर में रहते हैं, लेकिन ये जो सैक्सीटॉक्सिन है ये शेल्ड फिशेस को इफेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर अगर ह्यूमन ने इसे कंज्यूम किया, ऑन ह्यूमन कंजम्पशन, मैं और आपने अगर इसको खाया या सैक्सीटॉक्सिन हमारे अंदर गया तो हमें होगा पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। रिमेंबर इट्स कॉल्ड पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। इसका मतलब यह है कि सैक्सीटॉक्सिन मछलियों को मारता है, लेकिन अगर शेल फिशेस ने सैक्सीटॉक्सिन उनके अंदर गया तो उन्हें कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इन शेल फिश को अगर हमने खाया तो हमको हो जाएगा पैरालिटिक शेल फिश पॉइजन, हमें पैरालिसिस जैसे अटैक्स आ सकते हैं। सो गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीड टू रिमेंबर। डिनोफ्लैजेलेट्स बहुत खूबसूरत होते हैं, वो नॉक्टिलुका बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं, पूरे सी को समुद्र को लाल बना देते हैं, लेकिन दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ टॉक्सिन विच इज कॉल्ड एज वॉट, सैक्सीटॉक्सिन। और ये सैक्सीटॉक्सिन की खासियत यह है, ये मरीन फिशेस को मारता है, इट किल्स द फिश एंड अदर एनिमल्स जो वहां पे रहते हैं, लेकिन इसकी और एक खास बात कि ये शेल्ड फिश को अटैक नहीं करती, या शेल्ड फिश इससे अटैक नहीं होते, पर उन शेल्ड फिशेस को अगर हमने खाया, वो शेल्ड फिश जिनके अंदर सैक्सीटॉक्सिन गया है, तो वो शेल्ड फिश को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमने उसको खाया तो हमें क्या हो जाएगा, पैरालिटिक शेल्ड फिश पॉइजनिंग, मतलब पैरालिसिस, एज यू ऑल नो, नर्व्स पे जाके ये अटैक करेगा। सो पैरालिटिक शेल्ड फिश पॉइजनिंग हमें हो सकता है। ये इतना नहीं पूछते, बस ये पॉइजन का नाम आपको याद रखना है, विच इज सैक्सीटॉक्सिन। रिमेंबर व्हाट इज द नेम, यस इट इज सैक्सीटॉक्सिन। ओके, सो नेक्स्ट इज इट्स लाइफ साइकिल। डेफिनेटली हमने पढ़ा था ये डिनोफ्लैजेलेट्स से, एंड दे शो जाइगोटिक लाइफ साइकिल। रिमेंबर, सो डिनोफ्लैजेलेट्स हमने पढ़ रहे, डिनोफ्लैजेलेट तो दे शो जाइगोटिक लाइफ साइकिल। एक्सेप्शन याद रखो, नॉक्टिलुका क्या दिखाएगा, गैमेटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द डिनोफ्लैजेलेट दे शो विच लाइफ साइकिल, दे शो जाइगोटिक लाइफ साइकिल, बट सम लाइक नॉक्टिलुका अलग है बॉस, ठीक है, एंड दे शो गैमेटिक लाइफ साइकिल। सी, सो दिस इज डिनोफ्लैजेलेट्स फॉर यू, ऑल ऑफ यू, दैट्स डिनोफ्लैजेलेट। एक बार फटाफट रिवीजन, कम ऑन, डिनोफ्लैजेलेट्स, डिनोफ्लैजेलेट, मैराइन, फोटोसिंथेटिक, पिगमेंटेड, सेल वॉल इज आर्मर्ड, दे हैव सेल्युलोसिक प्लेट, सो इट्स हार्ड, इट्स रिजिड, दे हैव गोनिया लुक्स एंड जिम्नोजिनियम विच गिव्स रेड सी और रेड कलर, एंड देन वी हैव Noctiluca, which shows bioluminescence, and then it produces a very, 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 very khatarnak toxin, naam uska saxitoxin. And ye toxin jo hota hai, ye toxin ko agar normal machliya khayi to mar jati hai, lekin agar inko shellfish ne khaya to wo nahi marti, par agar humne us shellfish ko khaya to hame ho jata hai kya, hame hota hai, yes, paralytic shellfish poisoning. It shows zygotic life cycle, but some like Noctiluca, they show gametic life cycle. Remember that zygotic was haplontic, gametic was diplontic. Okay, तो ये चीजें याद रखो, लिखो, बहुत important है. Next is chrysophytes. Now, ये क्या है और इनकी खासियत क्या है, क्रिसोफाइट्स की खासियत देखते हैं। नंबर वन, ये जो है इनकी हैबिटेट, इट इज फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, ये रिवर लेक्स में भी मिल जाएंगे और ये आपको सी समुंदर ओशन में भी मिल जाएंगे। नंबर टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट दीज आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, दिखते नहीं है, ये वॉटर करंट के साथ बहते हैं,
रिमेंबर दे फ्लो विथ वॉटर करेंट है ना एंड दे लुक लाइक प्लैंकटन. प्लैंकटन मतलब पता है ना कि जो वो ऐसा ऐसा पूरे पूरे समुद्र में या पूरे जगह पे दिखेगा आप लोग को. माइक्रोस्कोपिक है तो आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, लेकिन ये जो वाटर करेंट्स जा रहे हैं वाटर करेंट्स के साथ ही ये बहुत सारे क्रिसोफाइट्स उनके साथ जाते हैं. तो क्रिसोफाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सारे क्रिसोफाइट्स एक साथ दे आर माइक्रोस्कोपिक बट दे जब वो एक साथ आ जाएंगे तो यू कैन आइडेंटिफाई देम. सो दे ऑल कम टुगेदर एट द बॉटम ऑफ द सी. सी के बॉटम में वो सारे एक साथ आ जाते हैं एंड दे मेक अ हीप. हीप मतलब समझते हो, दे मेक अ हीप. हीप मतलब ऐसा एक छोटा सा पहाड़ जैसा, ठीक है. इस चीज को हम बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ, ठीक है, बिकॉज ये करने वाले क्रिसोफाइट्स का नाम होता है डाई एटम्स. ओके, सो रिमेंबर क्रिसोफाइट्स दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, क्रिसोफाइट्स दे आर फ्रेश वाटर एज वेल एज दे आर इन मरीन वाटर. दे आर माइक्रोस्कोपिक, वाटर करंट के साथ जाते हैं. दे आर प्लैंकटन एंड सी के बॉटम में दे मेक अ हीप ऑफ दे मेक अ हीप एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज वॉट डायएटमेशियस अर्थ. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज डायएटमेशियस अर्थ एंड दे आर डाई एटम्स. रिमेंबर दिस. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो डाई एटम्स होते हैं इनके पास एक पिगमेंट है विच इज फ्यूकोक्सैंथिन विच गिव्स देम अ ब्राउन कलर. तो प्लीज डू रिमेंबर दिस. डाई एटम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिसोफाइट्स. तो क्रिसोफाइट्स जो होते हैं, जैसे ये डाई एटम्स की बात हो रही है, ये लोग कुछ नहीं होती. क्या होता है, ये हीप बना के समुंदर के नीचे बॉटम में एकदम ऐसा जम जाते हैं और थोड़े ब्राउनिश दिखते हैं बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड फ्यूकोक्सैंथिन. फ्यूको का मतलब ही ब्राउन होता है, ठीक है. सो दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड फ्यूकोक्सैंथिन विच गिव्स देम अ ब्राउनिश टिंज. एक ब्राउन कलर या ब्राउनिश टिंज उन्हें मिलता है. सो रिमेंबर दैट्स क्रिसोफाइट्स फॉर यू. फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, माइक्रोस्कोपिक एंड एट द बॉटम ऑफ द सी दे मेक अ हीप कॉल्ड डायटमेशियस अर्थ. फ्यूकोक्सैंथिन उनके पास होता है जिस वजह से दे लुक अ लिटिल ब्राउनिश. ओके, तो याद रखना डायएटम्स जो है क्रिसोफाइट्स के एग्जाम्पल है. अच्छा, इनका सेल वॉल बड़ा खास होता है. इनका सेल वॉल थिन होता है. सेल वॉल इज थिन. उसका सेल्यूलोसिक था, इसका थिन है. ट्रांसपेरेंट, ठीक है. इनका जो सेल वॉल है, सेल वॉल है, सेल वॉल इज वेरी थिन, ट्रांसपेरेंट एंड इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट इज It looks like two overlapping shells, two overlapping shells like a soap box. तो सबने सोप बॉक्स देखा है. तो इनके सबका सेल वॉल आप जरूर याद रखिए. पहला हमने पढ़ा कौन सा, डिनोफ्लाइज. उसका सेल वॉल सेलुलोजिक प्लेट का था, आर्मर्ड था. इसका सेल वॉल थिन ट्रांसपेरेंट होता है और इसके जो दो ट्रांसपेरेंट साइड्स होते हैं, दे सोप बॉक्स देखा है, ऊपर से कवर होता है, नीचे से कवर होता है, सेम वैसा ही ओवरलैपिंग सोप बॉक्स जैसा कवर्ड शेल होता है इनका सेल वॉल. तो रिमेंबर ये सेल वॉल जो है इनकी बहुत बड़ी खासियत है विच यू हैव टू रिमेंबर. ओके, so yeah, so that's called soap box. Just a minute, let me check. Okay, so we have these things. हाँ, एक चीज जो मैंने भूल गया, इस ट्रांसपेरेंट शेल को हम लोग क्या बोलते हैं. They are called as frustule.
Just remember this. The transparent thin shell जो chrysophytes के ऊपर होता है, it's called what? Frustule. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Frustule. और ये overlap करते हैं एक दूसरे के ऊपर soap box की तरह. ठीक है? सब ने soap box देखा होगा. I feel. I guess. So remember, this is the cell wall of chrysophytes. So dinoflagellates का cell wall, cellulosic armored. इसका thin transparent and it is called as frustule. वर्ड मैं भूल गया था, जरूर आप याद रखना, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, द सेल वॉल ऑफ क्रिसोफाइट्स और डाई एटम्स, दे आर मेड अप ऑफ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कॉल्ड फ्रुस्ट्यूल शेल्स. ठीक है, और वो जो है सोप बॉक्स की तरह एक के ऊपर एक होता है. ओके, सो डाई एटम्स, डायटेमेशियस अर्थ, रिमेंबर दैट. एंड वन मोर एग्जाम्पल जो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज डेसिमिड्स. और डेसिमिड्स आर नथिंग बट, रिमेंबर, दे आर गोल्डन एल्गे. सो दे आर व्हाट? गोल्डन एल्गे. डेसिमिड्स आर व्हाट? गोल्डन एल्गे. एंड ये कहां पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर, जहां पे अनपोल्यूटेड क्लीन वाटर होगा, वहां पे डेसिमिड्स यानी गोल्डन एल्गे पाए जाते हैं. मतलब अगर मान लो कि कहीं पे आप गए और उस रिवर में या फिर उस लेक में वहां पे बहुत सारे गोल्डन एल्गे है, इसका मतलब वहां का पानी बहुत साफ है, क्योंकि ये गंदे पानी में ग्रो ही नहीं कर सकता. देयरफॉर इट इज कॉल्ड इंडिकेटर ऑफ अ क्लीन वाटर. ठीक है, या वी कैन से इंडिकेटर ऑफ अनपोल्यूटेड वाटर. ओके, सो रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट अगेन, काफी बार पूछा गया है. ठीक है, डेसिमिड्स द गोल्डन एल्गे. ओके, Desmids, the golden algae. One more time. Desmids, the golden algae, they are what? They are the indicator of unpolluted water. आपका पानी पूरा साफ है तो ही गोल्डन एल्गे ग्रो हो सकता है. इस पहले हमने बड़ा डायटम्स, दे आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन. अगर कहीं पे बहुत अनपोल्यूटेड वाटर, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है, तो वहां डायटम्स जो हमने पढ़ा था, डायटेमेशियस अर्थ, हीप बना के नीचे ब्राउनिश कलर के फ्यूकोक्सैंथिन पिगमेंट की वजह से. सो वो जो डायटम्स होते हैं, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर. ठीक है, सो ये दोनों चीजें याद रखो. डेसिमिड्स, दे आर इंडिकेटर ऑफ अनपोल्यूटेड वाटर. ओके, एंड डायटम्स, नोटेड डाउन ऑल ऑफ यू, डायटम्स आर इंडिकेटर्स ऑफ polluted water. ठीक है, सो जरूर याद रखना, decimates golden algae and diatoms, they both are indicators. Decimates fresh water है तो वो lakes, river में grow होगा, और वहीं grow होगा जहां पे पानी साफ है. So it's an indicator of unpolluted water, fresh water, clean water. And जो हमारा दूसरा है उसका नाम क्या है? Diatoms, diatomaceous earth वाला, वो वहां जाएगा जहां पे क्या है? Polluted water है. So अगर आपने कहीं पे decimates मिला, वो पानी में आप नहाओ, लेकिन अगर कहीं किसी पानी में आपको कौन मिला? Diatoms, तो आपको वहां पे नहीं जाना है. ठीक है, so this is your chrysophytes. हमने एक चीज इसमें छोड़ दी है, which is what? Which is its life cycle. Remember, इसका life cycle होता है gametic. It has a gametic life cycle, which means it is diplontic. इसके पहले वाला हमने पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था कौन सा your dinoflagellate जो zygotic था, ये है gametic life cycle which is diplontic. Zygotic was haplontic. Okay, so that's chrysophytes for you guys, all of you. Chrysophytes done. Wow, बहुत सारी चीजें इसमें याद रखने के लिए आपको याद रखनी पड़ेगी. मैं बहुत मुश्किल से याद कर करके मुझे याद हुई है चीजें, अभी भी कुछ कुछ चीज मिस हो जाती है, लेकिन गाइस जितनी बार आप उसको पढ़ना है, पढ़ो, दोस्तों से पूछो, घर में बोलो, क्योंकि इसको याद करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. ओके, सो जस्ट एक बार फटाफट देख लेते हैं क्रिसोफाइट्स के बारे में. दे आर इन मरीन एज वेल एज फ्रेश. खासा एग्जाम्पल इन लोग का है डायटम्स. ये डायटम्स ऐसे माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो पानी के नीचे हीप बना के जम जाते हैं, उसे कहते हैं डायटेमेशियस अर्थ. उनका जो पिगमेंट होता है फ्यूकोक्सैंथिन, जो एक ब्राउनिश टिंज देता है. एंड उसके बाद की बात उनकी सेल वॉल, तो सेल वॉल इनका थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसको बोलते हैं फ्रुस्ट्यूल. और वो सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे पे ओवरलैप करा होता है. ओके, एंड
That's it, क्रिसोफाइट्स. It has a gametic life cycle, right? And सबसे important चीज़ है जो दो बात मैंने बताई, decimids, which are golden algae, decimids, which are golden algae, और ये golden algae कहाँ आएंगे? Unpolluted water में, so they are indicators of a fresh water, clean water. And जो दूसरा हमने बात किया, क्या था? Yes, diatoms. They are indicators of unpolluted. Sorry, they are indicators of polluted water. They are indicators of polluted water. Okay, the last one is very simple. हम सबने पढ़ा हुआ है, which is euglenoids. Euglena. पढ़ाएगे नहीं या? Euglena. हाँ, euglena. युगलीना बहुत प्यारी चीज है. युगलीना की खासियत, युगलानी बोल रहा हूं, युगलीना किधर है, कहां पाया जाता है. तो गाइस लेट्स टॉक अबाउट युगलीना. युगलीना की सबसे बड़ी खासियत उसकी सेल वॉल के बारे में बात करेंगे. इसका हैबिटेट इज मराइन. डेफिनेटली जो युगलीनॉइड्स होते हैं आपको याद रखना है, दे आर फ्रेश मरीन एंड फ्रेश वाटर. दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड इन खासियत है इसकी इन स्टैग्नेंट वाटर. रिमेंबर फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर. सो दे आर मेनली सीन इन फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर. दैट्स यूग्लिनॉइड्स. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जो सेल वॉल होता है, ओके, इट इज वेरी थिन, वेरी फ्लेक्सीबल एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. रिमेंबर इट इज मेड अप ऑफ वॉट? प्रोटीन. ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज पेलिकल. याद रखो, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज पेलिकल. तो सेल वॉल ऑफ युग्लिनॉइड्स, हमने जो इसके पहले दोनों पढ़े थे वो दोनों कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज, या पहले वाला सेल्यूलोज था फिर फ्रुस्टूल था, ठीक है, वो दोनों के दोनों जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हैं. बट रिमेंबर दिस वेरी फेमस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन ऑल्सो. द सेल वॉल ऑफ युग्लिनॉइड्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, सो दे कैन मूव हियर एंड देयर, दे कैन गो हियर एंड देयर. द सेल वॉल ऑफ युग्लिनॉइड्स इज वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी सॉफ्ट, वेरी थिन, बिकॉज दे आर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड पेलिकल. उस प्रोटीन का नाम क्या, उस लेयर का नाम क्या उनके बॉडी का? इट्स कॉल्ड पेलिकल. ओके गाइज, सो दैट्स कॉल्ड पेलिकल, विच मेक द थिंग्स वेरी फ्लेक्सीबल. ओके, इनकी एक और खासियत है इनका न्यूट्रिशन. याद रखो, इनका न्यूट्रिशन होता है मिक्सोट्रोफिक. व्हेन आई से मिक्सोट्रोफिक, मिक्सोट्रोफिक मतलब मिक्स्ड ट्रोफिज्म, मतलब दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे आर हेटरोट्रॉफ्स, दे आर पैरासाइट्स. मतलब क्या? प्रीडेटर्स टू, मतलब उन लोग खुद अपना खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक. उन लोग हेटरोट्रॉफ्स भी हैं, खाना लेके उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना सकते हैं, और कुछ होते हैं जो अटैक भी करते हैं. सो दे आर प्रीडेटर्स आल्सो. सो रिमेंबर देयरफॉर दे आर कॉल्ड मिक्सोट्रोफिक, बिकॉज़ इन दिस ग्रुप यू कैन सी युग्लिनॉइड्स में उनके सारे टाइप के न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक हैं. दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर हेटरोट्रॉफ्स, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, एंड दे डू पैरासिटिक sometimes, and they do predate, जो predation होता है वो भी लोग कर सकते हैं. तो they show mixotrophic. इनकी एक और बहुत खास बात याद रखना, they have a eye spot called as stigma, and it's red in color. याद रखो कि इन युग्लिनॉइड्स सबसे खास बात होती है युग्लिनॉइड्स की, कि युग्लिनॉइड्स का ये वाला पॉइंट उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जरूर याद रखो, इन युग्लिनॉइड्स दे हैव अ ब्राइट रेड आई स्पॉट. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेलिंग यू, ये नीट का महा फेवरेट क्वेश्चन होता है. युग्लिनॉइड्स, युग्लिना के पास they have a bright red eye spot called as stigma. It is red, that means it should have some pigment, and that pigment is called as astaxanthin. I know ye naam thode se atpatang hai, par aapko yaad rakhna hai astaxanthin. अगर आपने रेड पहना है, किसी को रेड पहना हुआ देखा तो उसको जाके बोलो, अरे क्या astaxanthin पहना है, डर जाएगा, उसको लगेगा आपने गाली दे दी, लेकिन आपको याद हो जाएगा, सच कह रहे हैं, हां जी, ठीक है. तो एस्टैक्सैंथिन, फ्यूकोक्सैंथिन ब्राउन था, एस्टैक्सैंथिन रेड होता है, ठीक है, रिमेंबर. सो आई स्पॉट, बहुत खास बात बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, युग्लिना के पास एक ब्राइट रेड स्पॉट होता है जिसे हम आई कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एस्टिग्मा.
ओके एंड वो रेड क्यों है, बिकॉज उसका क्या है एस्टैक्सैंथिन, बोलो क्या है एस्टैक्सैंथिन, ओके एंड इसका एक स्टोरेज व्हाट इज फ्रॉम पैरामाइलम कहते हैं, रिमेंबर दैट इट हैज इट कैन स्टोर द रिजर्व फूड, ओके इट स्टोर्स द रिजर्व फूड एज पैरामाइलम, ठीक है. So these are some of the important characteristics of euglenoids. Just remember euglenoids. इनके पास भी ना जो flagella होता है euglenoids का, इसका flagella एक बड़ा एक छोटा, ठीक है. Just write it down. मैं लिख नहीं रहा हूँ. Write it down. एक बड़ा लंबा flagella, एक छोटा flagella होता है. Okay. So these are the characteristics of euglenoids. Remember euglena के बारे में बहुत खास बातें. Freshwater, stag and cell wall, protein pellicle, mixotrophic. ये मेरा favorite. Eye spot. इसमें दाव लगाएंगे. Eye spot is red, bright stigma. क्योंकि उसके पास क्या है? Astaxanthin, and definitely they stores the reserve food as paramylum bodies. ठीक है, as paramylum bodies and example definitely euglena. Okay guys, so these are photos in the deep protists. Oh my god, so December is done. So we have dinoflagellates and we have euglenoids and we have chrysophytes. Okay, so remember. पहला हमने पढ़ा था डिनोफ्लैजेलेट, उसमें जिम्नोजिनियम, गोनियालोक्स, बायोल्यूमिनेसेंस, नॉक्टिलुका, सेल वॉल, आर्मर्ड, ओके एंड फिर हमने पढ़ा क्रिसोफाइट्स, जिसमें डायटमेशियस अर्थ, डायएटम्स, डेसमिड्स, गोल्डन एल्गे एंड देन हमने एंड सेल वॉल वाज वेरी थिन एंड ट्रांसपेरेंट फ्रस्ट्यूल, सो बॉक्स की तरह एंड देन हमने पढ़ा लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूक्लिनॉइड्स, ब्राइट रेड आई स्पॉट stigma and definitely uska ek aur cheez jo aapko bolna yaad rakhna hai, the pigment is due to astaxanthin and they store the reserve food as paramylum bodies aur inke cell wall mein carbohydrate nahi protein hota hai and that's pellicle which gives them a very flexible shape. Okay, bye bye guys, kafi sara yaad karna hai, याद कर लो बिकॉज ये एग्जाम में आता है और आएगा तो आपका एक भी आंसर, एक भी एमसीक्यू मिस नहीं होगा. ठीक है गाइस, रिमेंबर दिस अच्छे से. बाय बाय एंड टेक केयर.